एवरीवन, फ्रेंड्स आई एम केवल गंगानी, ऑथर ऑफ द नंबर वन अमेज़न बेस्ट सेलिंग बुक वाव ऑफ द नाउ। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ पांच माइंड ब्लोइंग ह्यूमन बॉडी के फैक्ट शेयर करने वाला हूं, जो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। फ्रेंड्स आई बिलीव कि ये वीडियो देखने के बाद आप शायद अपने आप को एक मिराकुलस बीइंग के रूप में देखना शुरू कर देंगे। इतना इनक्रेडिबल फैक्ट्स है जो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन से। फ्रेंड्स सबसे पहला इनक्रेडिबल फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इज दैट एवरी ईयर 98% ऑफ द एटम्स इन आवर बॉडीज आर रिप्लेस्ड। द स्किन रिप्लेसेस इटसेल्फ वंस अ मंथ, द स्टमक लीनिंग एवरी 5 days, द लीवर एवरी 6 weeks एंड द स्केलेटन एवरी 3 months। फ्रेंड्स आप जो इस केवल को वीडियो में देख रहे हैं वो एक 1920 का मॉडल है। मेरे अंदर भी काफी सारे चेंजेस आ जाएंगे कुछ टाइम के बाद, राइट? फ्रेंड्स हम सभी लोग चमत्कार तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन की हम बात करें तो हम तो बड़े मजे से खा पी के सो जाते हैं, लेकिन डाइजेशन ऑटोमेटिकली होता है और अपने बॉडी के अंदर से वेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर फेंक दिया जाता है, राइट? दूसरा एग्जाम्पल ये है कि दोस्तों ब्रीदिंग जो है क्या हम कॉन्शियसली करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। दोस्तों ब्रीदिंग का पावर नेचर ने बहुत ही ब्यूटीफुली सोच के सबकॉन्शियस माइंड के पास दिया गया है, बिकॉज नेचर ने ये सोचा कि अगर इंसान को ब्रीदिंग पावर जो है वो कॉन्शियस लेवल पे दिया गया तो शायद वो काम में इतने बिजी हो जाएंगे क्योंकि वो शायद वो ब्रीदिंग करना या सांस लेना छोड़ देंगे या भूल जाएंगे, राइट? और इसके लिए नेचर ने ब्रीदिंग का पावर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास दिया गया। फ्रेंड्स अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो हम अराउंड ऑन एन एवरेज 17,000 पर डे ब्रेथ्स लेते हैं, राइट? Isn't it a miracle? दोस्तों आप सोचो अगर नेचर ने वो ब्रीदिंग का पावर कॉन्शियस लेवल पे अगर हमें दिया होता तो हमारा क्या हाल होता। फ्रेंड्स सेकेंड इनक्रेडिबल फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इज योर हार्ट विल पंप नियरली 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम, इनफ टू फिल 200 ट्रेन टैंक कार्स। फ्रेंड्स हमारे अंदर हमारा हार्ट जो है वो इतना ज्यादा काम कर रहा है शायद हमें पता भी नहीं है और शायद हमारे अवेयरनेस में भी नहीं है। एंड क्या आपको ये पता है कि योर हार्ट विल बीट अराउंड 1,15,000 टाइम्स ईच डे। एंड फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा कि लाफ्टर इज गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज फॉर योर हार्ट, एंड इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इट हेल्प्स आल्सो हेल्प्स टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। दोस्तों इस चैलेंजिंग टाइम्स में इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना कितना जरूरी है आप सभी लोग जानते हैं, राइट? और इसके लिए दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। फ्रेंड्स थर्ड इनक्रेडिबल फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इज दैट इफ द ह्यूमन आई वॉज अ डिजिटल कैमरा इट वुड हैव 576 मेगापिक्सल्स। ओ माय गॉड, 576 मेगापिक्सल्स। फ्रेंड्स दिस इज माइंड ब्लोइंग फॉर मी। फ्रेंड्स इस पॉइंट से मुझे एक स्टोरी याद आ गया और वो ये है कि एक बार एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस से और काम से तो लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहा था, तो उसने एक बार सोचा कि अगर उसके द्वारा वो करोड़ों रुपए कमा रहा है तो उस बॉडी का वैल्यू कितना, मतलब कि उसने ये सवाल किया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसने एक महीना सोचा, उसको कुछ कन्विंसिंग आंसर वो अपने आप को नहीं दे पाया, तो उसने क्या किया 2 महीने इन्वेस्ट किए, वो सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिला, खुद मिला और उन सभी लोगों से एक सवाल पूछा, जैसे कि हार्ट स्पेशलिस्ट से मिला, किडनी स्पेशलिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट, बोन स्पेशलिस्ट, ब्रेन स्पेशलिस्ट और मैं सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिला और उसे सबसे सवाल किया। जनरल सा कॉमन सा सवाल था कि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका बोन ब्रेन ऑलमोस्ट सब कुछ डैमेज हो गया और वर्स्ट कंडीशन में है तो उसे ठीक करने के लिए कितना पैसा लगेगा, राइट? तो ये कॉमन सा उसका सवाल था। और दोस्तों वो 2 महीने इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको अमाउंट मिला सभी डॉक्टर्स से वो दोस्तों करोड़ों में था, राइट? फ्रेंड्स कहीं पर मैंने पढ़ा था कि अ बॉडी कुड बी वर्थ अप टू 45 मिलियन डॉलर्स, मतलब कि वो होता है अराउंड मोर देन 330 करोड़। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें अपने आप से ये पूछना है कि इतना वैल्यूएबल अगर बॉडी है तो आर वी ट्रीटिंग आर बॉडी करेक्टली। फ्रेंड्स ये एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू लेते हो और अगर उसमें पेट्रोल के बदले हम केरोसिन या डीजल डाल देंगे तो सोचो उस इंजन का हालत क्या होगा, बीएमडब्ल्यू नहीं रहेगा बाद में, राइट? दोस्तों अगर बीएमडब्ल्यू से ज्यादा वैल्यूएबल अपना बॉडी है मोर देन 333 करोड़,
तो हम क्या इनपुट डालते हैं अंदर वो आप सभी लोग जानते हैं। एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि आर वी ट्रीटिंग आर बॉडी करेक्टली। फ्रेंड्स, आई पर्सनली बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्राइसलेस, इट इज इनवैल्यूएबल। बिकॉज फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप पूरे वर्ल्ड के बड़े बिजनेसमैन को अगर देखें तो दोस्तों उनकी पर डे इनकम करोड़ों में है, मतलब कि उनका बॉडी का वैल्यू तो हद मतलब बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि बॉडी इज एक्चुअली प्राइसलेस, इट इज इनवैल्यूएबल। और दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूंगा कि BMW में सिर्फ पेट्रोल डालो और कुछ मत डालो। फ्रेंड्स, फोर्थ इनक्रेडिबल फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इज दैट 1/4 ऑफ द बोन्स इन योर बॉडी आर इन योर फीट। दोस्तों 1/4 ऑफ द बोन्स इन योर बॉडी आर इन योर फीट। दोस्तों सरप्राइजिंगली एक अडल्ट स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। और दोस्तों जब एक बच्चा पैदा होता है तभी उसके अंदर 300 से ज्यादा बोन्स होते हैं, एंड बाय द एज ऑफ 5 वो 300 से ज्यादा बोन्स जो है वो मर्ज होके 206 बोन्स हो जाते हैं। दोस्तों इजंट इट अ मिरेकल। दोस्तों मेरे लिए ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन प्रोसेस एक मिरेकुलस बीइंग है। दोस्तों कुछ लोग शायद मिरेकल में अगर नहीं बिलीव करते तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट बिलीव इन मिरेकल्स परहैप्स यू हैव फॉरगॉटन दैट यू आर वन। फ्रेंड्स, फिफ्थ इनक्रेडिबल फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इज इन अ लाइफ टाइम योर ब्रेन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन होल्ड एज मेनी एज 1 quadrillion, that is 1 million billion separate bits of information. Friends, आप सभी को ये तो पता ही होगा कि our brain functions better when we are well rested. And friends, एक study के हिसाब से पता चला कि sleep plays a major role in more effective memory. Friends, आज जो है काफी लोगों को मैंने देखा है कि वो late night तलक जाते हैं और दिन में सोते हैं। दोस्तों nature ने एक rhythm create करके रखा है के दिन में जागना, रात में सोना, राइट? और अगर नेचर ने हमें अगर बनाया है तो हमें नेचर के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर हम नेचर के रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो आना ही आना है। तो बेटर है दोस्तों आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो नेचर के रिदम के साथ ला दीजिए तो आपके ज्यादातर हेल्थ इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए, इट इज एब्सोल्युटली वर्किंग। Friends, I would like to share a beautiful sentence from the book Vow of the Now, and that is, the true miracle of life is not in you doing something, but in you realizing that life is already a big miracle. Friends, इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने बॉडी के साथ टाइम स्पेंड करो। लेट्स एक्सपीरियंस वॉट मिराकुलस प्रोसेस जो अपने अंदर हो रहा है। धीरे धीरे आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने बॉडी के साथ बैठना है, मतलब ये भी एक बात हिडन है कि हम और हमारा बॉडी दोनों अलग है, तो हम एक्चुअली कौन है वो हम जरूर आगे वाले वीडियोज में बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना जरूरी है कि हम अपने अंदर जो मिराकुलस प्रोसेस हो रहे हैं, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, बस उसके बारे में बस अवेयरनेस मैं अपने चीजों को ला रहा, राइट? फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो विद वन ऑफ माय फेवरेट कोट्स फ्रॉम डॉक्टर दीपक चोपड़ा, एंड दैट इज, इफ हु वी आर इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, देन हु वी बिकम इज अ गिफ्ट टू गॉड। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ काफी सारे अच्छे कंटेंट शेयर करने वाला हूं, तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जरूर शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए, राइट? दोस्तों थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट दैट यू ऑल आर अ मिरेकल। Thank you all so much for watching. Please like and comment, and don't forget to subscribe right now.